आप सभी व्यूवर्स को जुले टशले नमस्कार। मैं आपकी नैनीताल टेरी खंपा, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हैं बोध गया में। तो आज लोसर से पहला दिन, कल है लोसर, तो आज जो है हम जाने वाले हैं साक्या मॉनेस्ट्री में। कल गुतुर का प्रोग्राम तो हम मिस कर गए थे, लेकिन हमें पता चला है कि साक्या रिंपोचे जो है वो अपना आशीर्वाद और अपना दर्शन जो है मीमांग को दे रहे हैं 11 बजे। तो हमने सोचा ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, तो हम लोग निकल चुके हैं साक्या मॉनेस्ट्री के तरफ। तो साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि बोध गया किस तरह से दिखता है, बोध गया का मार्केट कैसा है, उन व्यूवर्स के लिए जो आज तक बोध गया नहीं पहुंचे हैं। हमने कुछ टक ले लिया अपना खाने के लिए और फल ले लिया उन्हें चढ़ाने के लिए, क्योंकि साक्या मॉनेस्ट्री जो है वो छोरतेन हमारा जो रेस्टोरेंट है उससे करीबन 500 मीटर की दूरी पे है। और छोरतेन से जो मेन बोधा ट्री वाला जो छोरतेन है स्तूपा, वहाँ से साक्या मॉनेस्ट्री करीबन आप ये मान लीजिए 10-15 मिनट की दूरी पे है। तो हमने ले लिया था ई रिक्शा और निकल पड़े थे हम साक्या मॉनेस्ट्री के तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें हैं दोनों तरफ से, एक साइड से है पक्की दुकानें जिसके ऊपर गेस्ट हाउस बने हुए हैं, और एक साइड से है पूरे जो सीजनल शॉप्स लगते हैं, जो स्टॉल्स लगते हैं। तो यहाँ पर आपको तरह तरह के बीज मिल जाते हैं। यहाँ पर क्राउड जो है बुद्धिस्ट क्राउड आता है ज़्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल क्राउड आता है जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है मेनली। और टूरिज्म का तो ये वैसे भी एक आकर्षित स्पॉट रहता ही है। आनी फुडोमा भी हमें ज्वाइन करने वाली है, पहुंच चुके हैं हम उनके घर के साइड, तो उन्हें लेते हुए हम चलते हैं साक्या मॉनेस्ट्री के तरफ। मार्केट बहुत ही खूबसूरत है, आप जब यहाँ आएंगे तो आप बहुत शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ सोवेनियर्स लेने के लिए। रास्ते में जाते समय 80 फीट पड़ता है। 80 फीट इस जगह का नाम इसलिए है क्योंकि जो लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है वो 80 फीट का है। पहुंच गए हैं हम साक्या मॉनेस्ट्री, जैसे कि आप देख सकते हैं। और साक्या मॉनेस्ट्री के सामने ही छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं कैंटीन टाइप के, जहां आप चाय, मैगी और स्नैक्स खा सकते हैं। मॉनेस्ट्री के अंदर चलते हैं और सबसे पहले तो सीधे जाते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनका जो दर्शन देने का समय है वो है 11 बजे का। तो हम नहीं चाहते कि हम फिर लेट हो जाएं, तो हमारा सबसे पहले यही रहे, सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम फटाफट जाएं और उन्हें वर्शिप करें, उनके दर्शन पाएं। एंड्रे तो यहाँ चेक कर रहा है, पहले आ गए थे ये लोग हमसे, अब जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि समय हो चुका है उनके दर्शन पाने का। चलिए चलते हैं उनके कक्ष की ओर जहाँ पर वो आम जनता से मिलते हैं, हम उनके दर्शन कर सकते हैं और वो अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। Teşekkürler.
अनी के संग जो कि मॉम की 40 साल पुरानी दोस्त है वो भी हमें यहाँ मिली होते हमें मॉम से टकराई। वो रेस्टोरेंट में आई थी खाना खाने के लिए और तभी मॉम ने उन्हें पहचाना। आई वॉज लाइक माँ आप कैसे जानते हैं उन्हें, तो मॉम सेड हम लोग बचपन के साथी हैं। फिर मैंने कहा पूछ आपने उन्हें पहचाना कैसे, तो माँ कह रही है, माँ ने कहा कि वो उनकी आवाज़ से पहचान गई। दोस्ती ऐसी भी होती है। और पापा को भी यहाँ पर अपने बहुत पुराने दोस्त मिले, तो बोध गया जैसा कि आप जानते हैं हमारे बौद्ध धर्म का मेन सेंटर है जहाँ पर पूरे विश्व से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और नवंबर दिसंबर और जनवरी जो है वो हम लोगों का मेन पीक टाइम होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती है, तो सब यहाँ पर पूजा अटेंड करने के लिए आते हैं। और कहते हैं ना किस्मत आपसे कब कौन टकरा जाए आपको पता नहीं, तो माँ को अपनी 40 साल पुरानी दोस्त यहाँ मिली और डैड को भी अपने काफ़ी मित्र यहाँ मिले और कुशलोजा भी कितने सालों के बाद यहाँ उनसे टकराए। तो इसी बहाने हमें भी मौका मिल गया। His Holiness आके रंबुची का दर्शन पाने का, क्योंकि उन्होंने ही पापा को बताया था कि साक्य रंबुचे जो है वो यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और अपना दर्शन जो है आम जनता को दे रहे हैं। डैडी को स्पेशल गिफ्ट ये रिकॉर्ड करने को नहीं मिला मैं। नाइस। स्पेशल गिफ्ट टू डैडी। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ना, उन्होंने बोला जब भी कुछ काम वाम करते तो हमेशा रप्पा करते हैं करके। हमें बताया गया कि यहाँ पर लंच भी दे रहे हैं, तो हम आ गए हैं गोम्पा के सीधे नीचे लंच खाने के लिए। बुफे चल रहा है यहाँ पर और
खाना जैसे जैसे खत्म होता गया तो वो इसे रिफिल करते गए। पापा हाउ इज द फूड? हाउ इज द फूड? ये हमारे सगे गुमरुमु के गुम्बा में गुम्बा की तरफ से ट्रीट था। जितने भी लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं उन सब के लिए यहाँ लंच का व्यवस्था, चाय का व्यवस्था, जो भी यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं सभी के लिए खाना। जितने भी लोग यहाँ आएंगे जो प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। Anila, how's the food? Very nice. Enjoying. Agula, enjoying. Chewing? Not food, huh? Chilap. Chilap. Prasad. Chilap. Prasad. It's not food. जैसे लंगर लगता है गुरुद्वारों में। हाँ। It's prasad. It's chilap. Not food. अब हम करते हैं गुम्बा का दर्शन। साक्या मॉनेस्ट्री में आपको इससे पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो हम गुम्बा का जाने से पहले दर्शन करते हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमको हिज हॉलीनेस साक्या रिम्पोछे के दर्शन और उनका जो आशीर्वाद है वो मिला। आई होप आप लोगों को भी इस वीडियो के द्वारा उनका दर्शन पाके अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने व्यूज़ बताइएगा कि आपको वीडियो देख के कैसा लगा। और मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग पे। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू।